हाय दोस्तों, 16 तारीख का संडे का दिन है और जो ये वीडियो लेके आया था वो निफ्टी 50 पे लेके आया था। निफ्टी 50 जैसा हमको बताया था पहले भी, ये एक बेरिश सिग्नल है, अभी भी ये बेरिश सिग्नल है निफ्टी 50 में, और इसको सपोर्ट है हर लेवल पे। इसको 11600, 700, यहाँ तक आपको 700, 600, 500 यहाँ तक ये जा सकता है। अभी रिसेंट में जाना तो इसको नीचे है, 11100 तक जाना है, लेकिन अभी 11850 के लेवल को तोड़ा है इसने, तो ये आपको 11800 पे एक अच्छा सपोर्ट है, ये आप समझ लीजिए। 11800 से वापस ये आपको फंसाने के लिए ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं किसी भी इसमें व्यू में नहीं हूँ कि ये अगर ये 11850 वापस क्रॉस करता है तो आप शॉर्ट की पोजीशन वापस होल्ड कर लें, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। क्योंकि अगर ये 800 जब तक नहीं तोड़ता है, 800 अगर ये तोड़ता है, अगर आपको 800 799 778 दिखता है, 785 दिखता है सिंपल सर, तो आप इसको वापस आराम से पुट की पोजीशन बना लें और आपको 11600 11500 तक जाता हुआ आपको दिखेगा। अगर आप देखें तो 11655 तक जाते हुए दिखेगा और आराम हो सकता है 11571 तक भी आपको जाते हुए दिखे। चांसेस है इसने मिडिल फिंगर को जो है, इसका जो मिडिल है 11856 को, उसको तोड़ा है, ये चांसेस है ये नीचे की ओर जाएगा और 11571 पे बोलिंगर बैंड से ये सपोर्ट ले सकता है। इससे अगर डेली मूविंग एवरेज पे भी देखें तो यहाँ पे 11655 पे आके इसको एक सपोर्ट मिलता है, और अगर इसको वीकली बेसिस पे भी देख लें तो ये कहीं ना कहीं 11700 बोलता है, पहला सपोर्ट है इसको 11700 का, तो 11700 पे एक सपोर्ट ले सकता है और 11700 तोड़ने के बाद ये 11500 तक जा सकता है। तो अगर ये किसी तरह से कल, क्योंकि अभी 11823 पे क्लोजिंग दिया है आप देखेंगे, तो जो निफ्टी 50 है ओपन हुआ था 11/9/14 को 910 पे हाई बनाया, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर की ओर गया और वहाँ से सीधा फॉल करके लास्ट मिनट्स में ये फॉल किया था। आप इसके लास्ट मिनट के अगर इसके कैंडल को देखेंगे, अगर इसके 15 मिनट के कैंडल को देखेंगे तो ये पूरा दिन खड़ा रहा था एक जगह पे, यहाँ से यहाँ तक खड़ा रहा और लास्ट मिनट में एक फॉल किया था ये, और फिर यहाँ से इंडिसिसिव कैंडल बना के अप लिया था। मीन्स ये किसी भी तरह जो लो बनाया था 11805, ये 11800 को नहीं तोड़ा था, तो जब तक ये 11800 नहीं तोड़ता है तब तक यहाँ से फिर वापस बुलिश सिग्नल बना करके ऊपर की ओर चला गया। और अगर ये 11837 क्रॉस करते हुए आपको दिखता है, या मैं बोलूँगा ये सिग्नल को लीजिए 11850 को लीजिए, तो फिर ये वापस ऊपर 11950 तक जा सकता है। तो 11850 के स्टॉप लॉस से अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा, नीचे की ओर रह सकते हैं 11700 की, और जा सकता है 11600 11500। लास्ट मोमेंट में ये देखेंगे जो तोड़ा है 15 मिनट के सिग्नल पे, यहाँ पर बाइंग सिग्नल है 15 मिनट के अगर सिग्नल को देखें तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये ऊपर की ओर निकलता है और 11850 तोड़ता है तो वापस 11950 की ओर जाएगा। इसको 12000 पे स्ट्रगल है, अगर ये 12050 या 100 मेंटेन करता है, कम से कम क्रॉस करता है, 12500 तक जा सकता है। लेकिन ये सिग्नल अभी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वहाँ पे हर्डल है, इसको डेली वो बार बार वहाँ जाता है और उसको तोड़ता है, 12000 पे सस्टेन नहीं करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वीकली बेसिस पे इसको देखिए, वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये कितना बार अटेम्प्ट लगा चुका है इसको, लेकिन ये तोड़ नहीं रहा। ये ऊपर जा, यहाँ से एक बार ट्राई किया फिर गिरा, फिर यहाँ पे एक बार ट्राई किया फिर से गिरा है ये, और ये यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ऊपर की ओर जाता है और यहाँ से फिर फॉल हो जाता है। ये कोशिशें तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहा है। और यहाँ से एक जिग भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ का जो पोजीशन होना है यहाँ से थोड़ा एक है, तो ये किसी तरह से 11650 को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 11660 150 का, अगर यहाँ पे लाइन में इसको आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो 11660 का ये जो पोजीशन है इसको यहाँ पे वापस ये टच कर सकता है, इंडिसिसिव करके यहाँ पे लेके नीचे की ओर आ सकता है। कोई बहुत बड़ा इसमें प्राइस नहीं है, लेकिन अगर ये किसी कारण से, और यहाँ पे देखें तो जो एक लोअर लो का पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, लो बनाए 11904, उसके बाद 11866, फिर 817 और यहाँ पे 797, तो कहीं ना कहीं इसको एक देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक लोअर लो का पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। इस कारण से भी यहाँ पे मुझे इसमें वीकनेस दिखता है, और
हो सकता है ये आपको 11600 तक जाते हुए आपको दिखे, तो 11850 के स्टॉप लॉस से इसमें चाहें तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बोलिंगर बैंड में भी देखें तो 11856 के पोजीशन को तोड़ के ये नीचे की ओर जा चुका है। अगर इसमें कैश की पोजीशन कहें तो आप देखिए कैश पे अब क्या हुआ है कि FI और DI दोनों सेलर के रूप में यहाँ पे नेट सेलर के रूप में 14 तारीख जो 12 की क्लोजिंग मंथ टिल डेट है, तो 12 तारीख तक ही इसको कंसिडर हुआ होगा, नहीं 14 तक है कंसिडर किया हुआ, तो 14 तक अगर कंसिडर किया हुआ देखेंगे तो 80 करोड़ का सेल है और 1100 करोड़ का सेल है। मीन्स दोनों तरफ देखिए FIDI का नेट सेलर के रूप में खड़े हैं, इसलिए यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए और ये बेरिश सिग्नल शो होता है, हो सकता है आपको नीचे की ओर जाते हुए दिखे। तो 14 तारीख को जो निफ्टी क्लोज हुआ 11823 पे, और एक सिग्नल देख लीजिए एडवांस 7 थे, डिक्लाइन 1242 से, जो एडवांस थे इनफर्टिल एलएनटीस इनफर्म पावर के अदानी पोर्ट थे, जो वीकनेस इंडस लैंड में इंडिया बुल जेल और भारतीय एयरटेल आइसर मोटर थे, ये सब एज ए वीकनेस थे। और अगर इंडेक्स की बात करें तो आप इंडेक्स भी देख सकते हैं, इंडेक्स में सब आपको यहाँ पर लाल एक्सेप्ट वीक्स जो है ऊपर की ओर जा रहा है, आप कोई भी सेक्टर देख लें सब के सब रेड है। यहाँ से जो सिग्नल मिलता है चाहे सेक्टरल इंडिसेस देख लें चाहे आप यहाँ पे आप इंडेक्स को देख लें सब के सब रेड है, तो आपको यहाँ से वीकनेस का सिग्नल मिलता है। मुझे लगता है कि निफ्टी आपको अगर यहाँ पे डेरिवेटिव में भी अगर देखने की कोशिश करें तो 11823 की क्लोजिंग है और 11800 बोलें तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की ओर इसको 11921 लाख का शॉर्ट का पोजिशन बना हुआ है, ये एक्सपायरी है 20 जून की एक्सपायरी को देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 11900 इसको ऊपर की ओर क्लोज नहीं, ऊपर नहीं जाना है क्योंकि 21 लाख से यार 11 लाख का तो आपको फ्राइडे के दिन पोजीशन होना है, तो 11900 ऊपर की ओर क्लोज करते हुए नहीं दिख रहा है। नीचे की ओर देखेंगे तो आपको देखेंगे 11800 पे एक अच्छा सपोर्ट है और फिर यहाँ से के बाद जाएंगे तो 11700 पे एक अच्छा सपोर्ट है और उसके बाद सीधा 11500 पे 6 लाख का, और जो पोजीशन बनी है सबसे ज़्यादा 11500 पे बनी है 215000 से, और उसके बाद 169 का 11700 पे, 11800 पे 1,98,000 का, तो 11500 पे 215000 का सबसे ज़्यादा पोजीशन बना 676 का है। तो कहीं ना कहीं आपको निफ्टी की जो एक्सपायरी नेक्स्ट वीक की हो सकती है 11500 से 11900 के बीच में लंबा दायरा है, मुझे लगता है निफ्टी 11700 के 750 के आसपास की क्लोजिंग दे सकता है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, लेकिन ये रेंज जो रहेगा 11500 से 11900 का नीचे की ओर 80% चांसेस है नीचे की ओर, 90% चांसेस है नीचे की ओर, सिर्फ 10% है ऊपर की ओर, क्योंकि 11900 पे 11950 पे ही अगर काउंट कर लें और 12000 पे कर लें तो 20 30 50 60 लाख का शॉर्ट की पोजीशन है, तो ये प्रेशर पे आ जाएंगे अगर ऊपर की ओर गया तो फिर आपको 12000 टच सीधा हो जाएगा, इसलिए चांसेस जो है नीचे की ओर है, मार्केट नीचे की ओर आपको जाता हुआ दिखे। यहाँ पे फ्री फ्लो है, अगर यहाँ से आप देखें तो सिर्फ 10 लाख 16 लाख 20 लाख ही है जो कि एक अकेला पोजीशन इसका 11900 पे बना है, तो आराम से 11700 टच कर जाएगा और 11600 पे 4 लाख तक यहाँ पे भी नहीं है, तो फ्री फ्लो ये 11500 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है निफ्टी और 11500 पे अगर पुट की वैल्यू देखें लास्ट ट्रेडेड प्राइस सिर्फ 11 रुपये 7 रुपया है, 11500 की वैल्यू सिर्फ 6 रुपये की है, और एक अगर मैं 11800 का वैल्यू देखूँ तो 57 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो अगर ये 57 रुपीज़ यहाँ से डबल होते हुए भी आपको दिख सकता है अगर ये 11800 टूटता है, तो कंडीशन एक ही है 11800 टूटना चाहिए, अगर 11800 टूटता है और 10-15 मिनट भी यहाँ पे खड़ा रहता है तो आपको, और चूंकि लास्ट सिग्नल वहाँ पे एक हैवी सेल दिखाया है, सिंपल एक बाइंग जो दिखाया है वो शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, ये आपको जो सिग्नल यहाँ पे आपको लास्ट मोमेंट पे जो ये सिग्नल दिया हुआ है 15 मिनट के चार्ट पे जब देख रहे हैं अपन यहाँ पे जब देख रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, जो शॉर्ट करके जो लॉन्ग करके बैठे उन्होंने शॉर्ट कवर किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इस पे लास्ट मिनट की जो फॉल है ये एक सेंसिटिव फॉल है और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम जो है एक सिंपल डमी है, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, सेल का ही वॉल्यूम आप समझ के रखिए, और यहाँ तो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तो दोनों पोजीशन से ऐसा समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है, प्राइस वॉल्यूम से, कि वीकनेस ही बना हुआ है इसमें, तो 11500 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, अगर नेक्स्ट वीक नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो बेरिश सिग्नल है, 11850 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट की पोजीशन में बने रह सकते हैं। निफ्टी 50 पे वापस जैसे मैंने बैंक निफ्टी पे आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग विजन बनाते हैं, अभी लॉन्ग का मार्केट नहीं है,
अगर लॉन्ग मार्केट होता है, ये बार बार 12,000 को टेस्ट नहीं करता, ये 12,000 को क्रॉस कर चुका होता, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे मार्केट में न्यूज वगैरह भी है अभी स्टेबिलिटी की, फंड की, और आप देख रहे हैं अच्छी खासी गिरावट भी आ रही है, तो अभी कंटिन्यू बना रह सकता है। तो 1 से 2 महीने के लिए आपको अभी निगेटिव, 2 मंथ एटलीस्ट जुलाई भी आपको निगेटिव ही मार्केट के रूप में आपको देखता हुआ रह सकता है। अभी तो मार्केट निगेटिव ही है बेरिश से। अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपके पास ऑप्शन कम होगा, अगर शॉर्ट पे पोजीशन पर रहते हैं तो आपके पास ये है, अगर मार्केट 2 दिन के लिए ऊपर जाता है और वापस 1 दिन जैसा टूटता है, जैसा उस दिन लास्ट मोमेंट पे टूटा था, तो आप बेरिश पोजीशन में शॉर्ट कवर कर सकते हैं, मतलब आपको फायदा हो सकता है। जो भी करना हो आपको पेपर ट्रेड करें, सिर्फ अपने खुद चार्ट पे डिटेल करें, एनालिसिस करें, मेरे कहने से कोई भी बाइंग नहीं करें। मेरा ये जितना भी ये सिर्फ ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत भी हो जाए, मेरे ओपिनियन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मैं एनालिसिस के, जैसे मैंने बताया कि मुझे यह सेंटिमेंट एक अच्छा फॉल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ खड़ा होने के बाद एक साथ फेंका गया और फिर ये सिर्फ कवरिंग है, हो सकता है ये मेरा व्यू गलत हो, और अगर ये गलत हो तो आप फंस जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको, अगर सिर्फ आपका पैसा है, आपके रिस्क कैपिटेट आप जानते हैं, तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जानते हैं, उनसे पूछ के मार्केट पे पोजीशन बनाएं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे तो आप ना उधर के रहेंगे ना इधर, क्योंकि ये मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी जाएगा फिर 200 पॉइंट नीचे भी रहेंगे, तो आप दोनों साइड में फंस जाएंगे। तो स्टॉप लॉस लगाएं 50-50 पॉइंट का काफ़ी होता है, आप वहाँ पे बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, ज़्यादा आपका वेल्थ नहीं जाएगा, 50-25 पॉइंट में आप बाहर निकल जाएंगे। 11,823 पे है, अगर 11,850 पे सस्टेन करता है, खड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि टच किया और आप निकल गए, अगर खड़ा रहता है वो आपको दिखता है तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाएं लॉन्ग की पोजीशन पे, फिर 11,950 तक का बन जाएगा। लेकिन किसी भी हालत से मुझे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं दिखता है, 90-10 का रेशियो है, 90 साइड है मेरा शॉर्ट और 10% ही है लॉन्ग, मीन्स बेरिश पोजीशन जो है 90% है मेरा। तो ये मेरा ओपिनियन है, व्यू है, फिर भी आपको अगर मार्केट में कोई पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत